तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक जूनो, जहां मैं आज आपके लिए ला चुके एक नई वीडियो, जहां मैं आज एक स्पेशल वीडियो है और मैं कोशिश करूंगा कि आज से अब ये रोज अपलोड करूं, क्योंकि हालांकि बीच में बहुत गैप हो गया था, थोड़ी सी एडिटिंग और मतलब और एनहांस करने के लिए थोड़ा सा मतलब टाइम लग गया और थोड़ा सा मतलब वीडियो अपलोड नहीं हुए, मगर मैं कोशिश करूंगा कि अब रोज वीडियो अपलोड करूं। तो फिर आज से मैं मतलब एक नया सीरीज चालू करने वाला हूं, जो कि टेक न्यूज सीरीज है, जिसमें आपको सब टेक की खबरें जैसे जानने को मिलेंगे और मैक्सिमम मोबाइल्स भी मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखना, नहीं तो वीडियो को स्किप कर देना, मेरा जाता है बट चलेगा। तो अगर आपको टेक की खबरें देखना है तो फिर मैं आज से ये सीरीज चालू कर रहा हूँ, जो कि टेक न्यूज होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि रोज वीडियो डालूं, जितना कोशिश करूंगा कि रोज वीडियो डालूं। तो आज ये पहला टेक न्यूज है, पहला टेक न्यूज का पहला वीडियो है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट कीजिए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहली खबर की बात करता हूँ, जो कि आ रहा है रियलमी एक्स थ्री से। जी हाँ, रियलमी से ये खबर आ रहा है, रियलमी एक्स थ्री के बारे में, जो कि आज हाल ही में लॉन्च हो गया 12:30 बजे के बाद, जो कि मतलब 2 बजे तक चला है वो लोगों का इवेंट रियलमी का, जिसमें रियलमी एक्स थ्री जो लॉन्च किया गया है, रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम लॉन्च किया गया है, रियलमी का बर्ड्स लॉन्च किया गया, जो कि ईयरफोन है, वायरलेस ईयरबड्स है जो कि ईयरफोन है, और एक तो एडवेंचर बैकपैक, एक तो बैकपैक भी लॉन्च किया गया है, जो कि मैं आपको नाम बताता हूँ सब एक एक करके। मैं पहले बता देता हूँ एडवेंचर बैकपैक की, जो कि 1500 से कुछ चालू होते हैं, 1500 का है कुछ मतलब आपको मैं इमेज में दिखा दूंगा उसकी स्पेसिफिकेशन, क्योंकि बहुत ये है। और रियलमी ईयरबड्स यूज लॉन्च हुआ है, जो कि 2000 का दाम है उसका, और रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम और रियलमी एक्स थ्री भी लॉन्च हुआ है फोन्स, जो कि हमारे जो मैंने आपको जो लीक्स बताई थी उसमें मैक्सिमम लीक्स सब सही है। मैंने आपको प्राइस रेंज भी बताया था कि अगर ये स्नैपड्रैगन 855 प्लस में आते हैं तो इसकी प्राइस 25,000-20,000 के ऊपर ये दोनों के अंदर ही रहने वाली है। तो देखिए प्राइस वही मतलब रेंज में आया है, और मैंने आपको कहा था कि मतलब सब टैक्स वैक्स बढ़ा दिया गया है चाइना कंपनी के ऊपर, तो फिर ये इसका दाम और बढ़ सकता है। तो फिर इसका दाम कुछ 25,000 से चालू है, 24,000 की 25,000 से इसका कुछ स्टार्टिंग है। तो उसका जो बेस पीरियड है 6GB रैम वाला, हालांकि ये थोड़ा ओवर प्राइस है और इसमें कुछ कुछ मतलब खामियां भी है रियलमी एक्स थ्री में, जो कि मतलब मैं इसका आपको पूरा डिटेल्स बता देता हूँ। रियलमी एक्स थ्री में आपको मिलता है सुपर जूम का मैं नहीं बताऊंगा, रियलमी एक्स थ्री का पहले बता देता हूँ। रियलमी एक्स थ्री का मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, तो उसमें अभी लॉन्च हुआ है तो है स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर है, और उसमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और IPS पैनल है, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही उसको खामी बोलेंगे उसको बहुत बड़ा, क्योंकि सुपर एमोलेड सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो 120Hz वाला डिस्प्ले है तो उसका रिफ्रेश रेट अच्छा है, बट अगर एमोलेड रहता, अगर 90Hz वाला भी रहता तो चल जाता। तो फिर उसका ओवरऑल मतलब देखा जाएगा तो उसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी, और 30W का ड्राफ्ट चार्जर बोलते हैं, 30W का है, फास्ट चार्जिंग है तो वो भी है उसमें, बट थोड़ा प्राइस थोड़ा ज्यादा हो गया, भले उसमें प्रोसेसर थोड़ा कम कर देते हैं, 720G ला देते, 16,000 कर देते, तो कुछ मतलब बात भी होता है रियलमी वाला, मगर उसका प्रोसेसर भी हाई है, प्राइस भी हाई है, तो फिर वो थोड़ा अलग अलग जाता है, थोड़ा एमोलेड भी दे देता तो मतलब वो प्राइस जो है वो मेकअप हो जाता। तो फिर रियलमी सुपर जूम के बारे में मैं आपको इमेज में दिखा दूंगा उसके सारे डिटेल्स। तो रियलमी सुपर जूम में को उतना कुछ खास नहीं, बस 60x का जूम है, और हाँ रियलमी एक्स थ्री में 20x का जूम दिया गया है। तो मैं बात कर लेता हूँ अगली खबर की, जो कि आ रही है मोटोरोला से। जी हाँ, मोटो का एज लाइट जो है वो अभी मतलब जो आप इमेज में देख रहे हो, अभी हाल ही में मोटोरोला का एज लाइट जो था वो अभी मोटोरोला मतलब बहुत ही धमाल कर रहा है, सब प्राइस कम कम में ला रहे, तो मोटोरोला का जो एज लाइट जो है वो अभी मतलब इमेज में आप देख रहे हो कैसा है, और वो अभी मतलब July 7 के आसपास, कुछ डेट मतलब कंफर्म नहीं है, मगर ऐसा खबर आ रहा है कि July 7 को लोगों का ऐसा इवेंट होने वाला है, जिसमें आपको मतलब वो मोबाइल मोटोरोला का मोटो एज लाइट आपको देखने को। बात कर लेता हूँ मैं अगली खबर की, जो कि आ रही है फिर रियलमी से, रियलमी का जो C2 Pro है, रियलमी का जो C2 Pro फोन है उसमें जल्द ही एंड्रॉयड 10 का अपडेट आने वाला है। जी हाँ, जो कि रियलमी का UI है, जिसमें एंड्रॉयड 10 का जल्दी ही रियलमी C2 Pro में अपडेट वो पुश करेंगे, जिससे आपका मतलब UI और भी। तो मैं बात कर लेता हूँ अगली खबर की, जो कि आ रही है फिर रियलमी से, और रियलमी का C11 वाला जो फोन है
रियलमी रियलमी बहुत हो गया। तो रियलमी का जो C11 वाला जो फोन है वो आ रहा है हीलियो का, आई थिंक हीलियो का G35 का प्रोसेसर के साथ आ रहा है, और वो गीक बेंच में भी लिस्ट हो गया है, और उसका कुछ कुछ लिस्टेड हो गया है गीक बेंच में भी, वो लिस्ट हो गया आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और उसमें एक बड़ी बैटरी भी बोली जा रही होगा। हालांकि इसका कुछ ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिकेशन लीक तो नहीं हुआ है, बट अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और माना बोला भी जा रहा है कि उसमें 2GB के रैम से बेस वेरियंट होने वाला है। आप गीक बेंच लिस्ट में देख ही रहे होंगे 2GB का रैम है, बिग बैटरी है, और हीलियो का G35 का प्रोसेसर है। तो देखते हैं कि ये कैसा प्राइस रेंज में आएगा, क्या ये रियलमी C3 को भी टक्कर दे सकता है। तो मैं बात कर लेता हूँ अगली खबर की, जो कि आ रही है पोको पोको M20 Pro, जो कि बोला जा रहा है, और इसे खबरें आ रही हैं कि जो Redmi 9 का जो फोन है, Redmi का जो 9 फोन है, वो रीब्रांड होके पोको M20 Pro में हो जाएगा। हालांकि ऐसा ना हो तो अच्छा, मतलब जो Redmi 9 जो ग्लोबली लॉन्च हुआ है वो कि वो मतलब रीब्रांड हो जाएगा पोको M20 Pro में, जो कि ऐसे इंडिया में आ सकता है, ऐसा ना हो तो अच्छा है। बट देखिए अभी क्या होता है, अगर कुछ ऐसे न्यूज अगला आता है तो मैं आपको तो मैं बात कर लेता हूँ अगली खबर की, जो कि आ रही है सैमसंग से, जो कि अभी मतलब सैमसंग का ऑफिशियली पेज में शायद ऐसा कुछ ऐसा लीक से कि मतलब ऐसा बात हो रहा है कि मतलब सैमसंग का जो ऑफिशियली पेज है उसमें एक तो फोल्डिंग फोन लिस्ट हो गया है, जिसमें सैमसंग गैलेक्सी Z बोल के है, जो कि 5G फोल्डिंग फोन है, और जल्दी शायद लॉन्च भी होने वाला है। तो फिर ये सब मतलब फोल्डिंग फोन मतलब ये सब फ्लैगशिप जैसा फोल्डिंग फोन मतलब आप यूज करते हैं कि नहीं बताना कमेंट में। हालांकि मैं मतलब देखते हैं क्या मतलब वो कैसा प्राइस में लाता है, क्योंकि ये बहुत महंगा हो जाता है क्या फोल्डिंग करने वाला, मेरे को सिस्टम खराब लगता है। हाँ हालांकि अच्छा दिखता है फोल्डिंग फोन, मतलब फ्लैगशिप लगता है, बट वैसा कोई ये नहीं रहता है। तो फिर भी देखते हैं कि आगे सबसे कहता हूँ अगली खबर की, जो कि आ रही है एप्पल से। जी हाँ, एप्पल से एक तो मस्त खबर आ रही है कि मतलब अभी तक तो एप्पल आईफोन 10 तक तो आपको 5W का चार्जर, सस्ता वाला 5W का चार्जर आपको दिया जाता था। तो अभी मतलब आईफोन 11 में थोड़ा उन्होंने पुश किया और 10W का चार्जर आपको देना किया, मगर अभी एक तो ऐसा न्यूज आ रही है कि एप्पल का जो 20W का जो चार्जर है वो लिस्ट हो गया है, मतलब उसको सर्टिफिकेशन मिल चुका है, और वो मेरे ख्याल से आईफोन 12 में आपको देखने को मिलेगा 20W का चार्जर, जो कि बहुत ही दमदार होने वाला है। हालांकि एप्पल चार्जर के मामले में पहले थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता था, मगर अभी थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ अगली खबर की, जो कि आ रही है गूगल से। जी हाँ, गूगल का अब एक तो शायद मेरे ख्याल से एक तो फीचर आने वाला है, जो कि आपका वेब हिस्ट्री है, जो कि आपका हिस्ट्री होता है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, वैसा कुछ इसका फीचर आने वाला है, ऐसा कुछ बात आ रहा है, जो कि आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो सब, और आपका जो मेन मतलब बोलेंगे इन्फॉर्मेशन वो सब अपने आप डिलीट कर दिया जाएगा, अगर आप उस पर अगर फीचर को एडेबल करते हो तो। ऐसा कुछ खबरें आ रही है गूगल की तरफ से, अगर ऐसा होता है तो बताइए आपको कैसा लगेगा। तो मैं बात कर लेता हूँ आज की लास्ट खबर के बारे में, जो कह रहे हैं Xiaomi के तरफ से। Xiaomi का जो फोल्डेबल फोन, एक तो नया फोल्डेबल फोन, फोल्ड करने वाला फोन, वो उसका मतलब जो क्या बोलते हैं उसको पेटेंट जो सामने आ गया है, आप देख सकते हैं वो स्क्रीन में कि मतलब उसका कैसा पेटेंट है, कैसा मतलब पेटेंट मतलब कैसा तरह से होगा वो फोन, फोल्डेबल फोन Xiaomi का, जो कि अभी नया आएगा, हालांकि वो भी 5G होने वाला है, ऐसा मतलब खबरें भी आ रही हैं। तो उसका पेटेंट आप सामने देख सकते हैं, उसका पेटेंट बाहर निकल के आ चुका है Xiaomi का फोल्डेबल फोन। हालांकि मतलब ये सब मतलब आप फोन मतलब फोल्डेबल फोन यूज करते हैं कि नहीं बताना जरूर, क्योंकि ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि अभी कोई ऐसा मतलब शौक किसी का होता होगा तो वो लेता होगा, बाकी कोई नहीं लेता होगा। बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दिए चैनल को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो, और ऐसी टेक न्यूज में आज से रोज लाने की बहुत 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 ज्यादा कोशिश करूंगा, और मैं मतलब और भी थोड़े थोड़े मतलब एडिटिंग और मतलब और थोड़े थोड़े अच्छे एडिटिंग और फीचर्स के साथ मतलब मैं आपको चैनल में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।